तेजस्वी प्रकाश और विशाल कोटियान दोनों ही मिलकर उड़ा रहे हैं राजीव आदित्या का मजाक। आखिरकार किस तरह से दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और दोनों मिलकर राजीव आदित्या यानी न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री का मजाक उड़ाते नजर आए हैं। चलिए पूरी खबर मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में इस वीकेंड के वार पर तेजस्वी प्रकाश ने गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ा था विशाल कोटियान के लिए, जिसके बाद तेजस्वी प्रकाश और विशाल कोटियान के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए। लेकिन विशाल कोटियान ने अपने सारे डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया तेजू से माफ़ी मांगकर। जी हां, तेजस्वी से जब माफ़ी मांगा विशाल कोटियान ने तो उसके बाद तेजस्वी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और दोनों ही कैमरा के सामने बात करते हुए एक साथ नजर आए हैं। जी हाँ, विशाल कोटियान जहाँ कहते हैं कि आज हमारे खाने में पम्पकिन साथ आया है, तो उसी तरह पम्पकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है। वह इस बात से साफ तौर पर पता चल रहा है कि राजीव आदित्या को विशाल कोटियान पम्पकिन का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, पम्पकिन का नाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि विशाल कोटियान के इस मजाक पर तेजस्वी प्रकाश कहते नजर आए कि ये विशाल का कहना है, मैं इनके इस मजाक में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही हूँ। आपको बता दूं कि विशाल कोटियान ने ये भी कहा कि राजीव आदित्या बिल्कुल पम्पकिन जैसे ही नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि घर में जहाँ भी वो बैठे हैं पम्पकिन मेरे सामने बैठा है। वह काफी मजाक मस्ती करते नजर आए हैं विशाल कोटियान और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 के घर में काफी दिनों के बाद। आपको क्या कुछ कहना है इन दोनों के रिलेशन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।